यार मेरे को ना आज एक बात करनी है। ये इलॉन मस्क अपने आप को समझता क्या है भाई? इलॉन मस्क आया कहता कि ट्विटर पे ना अपना आप बस इतना ही कर सकते हो, इतना ही देख सकते हो, नहीं देख सकते निकलो। फिर उसके बाद ठीक भी कर दिया उसने, क्योंकि पता है फट गई उसकी। और पता है क्या बोलता? जाके अपने घर वालों से मिलो, यू गाइस आर एडिक्टेड, तुम्हारी फैमिली के साथ बॉन्डिंग नहीं है। अबे कुत्ते, तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई, तेरा बच्चा तेरे से बात नहीं करता, तेरे बाप से तेरी आज तक नहीं बनी, तेरा बाप हमेशा बस यही कहता रहेगा कि मेरा बड़ा बेटा है जो ये तो पता नहीं क्या है, और तू उसी चीज को प्रूव करने में लगा रहा अपने बाप को गलत प्रूव करने में, ऑल बिकॉज यू जस्ट कुड नॉट एडमिट कि तेरे पास वेल्थ है एंड यू कुड जस्ट बी लाइक योर फादर्स किड, और तू अत्याचार नहीं कर पाया एमराल्ड माइंस में जाकर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और तू मुझे बता रहा है कि मेरे को अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए? तू जो गुणगान गाता रहता है ना, जॉर्डन पीटरसन को वापस लाओ, ये करो, अबे वो तक कह चुका है भाई, अपना कमरा साफ कर लो फिर दुनिया को बताना। ये कैसा आदमी है भाई? ये मुझे बताएगा कि मेरे को अपने घर वालों के साथ, भाई मैं क्यों ना जाऊं ट्विटर पे शिट पोस्टिंग करने के लिए? ये क्या, ये कोई लॉजिक है भाई? तू मुझे एक बार ही बताओ, ये आदमी मुझे बता रहा है कि ट्विटर पे क्या करना है? और मेरे को सही बताओ ना, तो ये बंदा, मेरे को लग रहा था गेम खेल रहा है। पहले वो इंस्टाग्राम रील वाला जो सिस्टम किया था कि टिकटॉक हट गया तो उसके बाद एकदम से रील्स आ गए, वैसे ना इलॉन मस्क ने सोचा चलो ठीक है भाई करते हैं कुछ ऐसा ही, ट्विटर डाउन किया जानबूझ के, इंस्टाग्राम वाला अरे हम लोगों ने थ्रेड बना लिया, और उसके बाद उसने ट्विटर वापस कर दिया। ठीक भाई, ये सब गेम तो वो खेलता रहेगा, और अगर आपको कोई गेम खेलनी है, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स भाई, और आज मैं अर्पित वाला आपको सिखाएगा वर्ल्ड ऑफ टैंक्स कैसे खेलते हैं विद माय फ्रेंड आरू। तारू भाई हेलो कर दो। हेलो भाई, क्या खेल रहे हैं आज? हाँ आज एक गेम खेलने वाले जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टैंक्स होते हैं आरू, और हमारे को बहुत सारे मिशन करने होते हैं। पैसे से खरीदनी पड़ेगी? मैंने नहीं, पैसे नहीं, दिस इज फ्री टू प्ले भाई। कर लिया भाई मैंने डाउनलोड, बताइयो कैसे खेलते हैं भाई। अगर तुम्हारे को खेलना है तो हमारे पास ना कुछ वो होते हैं, गेम मोड्स होते हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली। तो अभी हम करने वाले हैं 15 vs 15 करते हैं। ना बच रहे भाई आज, कुएं ना बच रहा, कोई टैंक ना बच रहा मेरे से भाई। फुटबॉल खेलेंगे हम। ओ भाई तेरा टैंक तो है तो सही, वैसे ये है ना अच्छा है ना ये वाला टैंक। सही है, तेरे को हेल्प बताता हूँ, अगर तेरे को ऐसे टैंक्स चाहिए ना, यूज द कोड कॉम्बैट और तेरे को मिलेंगे 2.5 लाख कॉइन्स, 7 दिन की प्रीमियम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स की प्रीमियम अकाउंट मेंबरशिप, और तेरे को मिलेंगे तीन टैंक्स फ्री में। फ्री में भाई, फ्री। अबे गेम फ्री टू प्ले है भाई, तेरा भाई ढूंढ के लाया तेरे लिए इतनी बढ़िया गेम भाई। इस गेम में करना क्या है? आरु तू बस मेरे पीछे है, हम जाएंगे और वो उनका जो एनिमीज का जो कैप फ्लैग है ना वो लेकर आएंगे। आरु तू उन लोगों को बिजी रख, जो रेड दिख रहे हैं ना। आरु कैसे खेल रहा है यार? सही तो खेल रहा हूँ, मार तो रहा हूँ। क्या तो मैं अब मैं फिर झूठ बोल रहा हूँ? क्या बोला भाई तू? जलता है मेरे से, मैं तेरे से नहीं जलता है यार। क्या बात कर रहा है यार आरु? हम जस्ट बेटर। अरे आरु मेरे को बैकअप चाहिए। आरु मिलेंगे यहाँ पे 30+ मैप्स। ओ भाई मैच मेकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि तेरे को 100 मिलियन प्लेयर्स तो तेरे को गारंटीड है। इसके अंदर बहुत सारे गेम मोड्स हैं, एंड सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा था वो तो है 15 vs 15 वाला। तो भाई यो डाउनलोड कीजिए वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Congrats on 100k, completely unrelated, I can't consumer content because you're not alt and niche and different anymore. I don't care bro, if you need to watch content because it makes you feel like you know you're a part of a club, ki hum log bahut special hai because ye aur koi nahi dekh raha. Well, guess what, this is news for you but get used to it that you are not growing up. अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप तक लिमिटेड रहे, सब कुछ बस आप ही को पता चले, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट फॉर योरसेल्फ एंड आई थिंक यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। यार एक ना तुम लोगों से ना मेरे को एक चीज शेयर करनी है, ठीक है? एक बंदा है, ये सब इग्नोर करो, ठीक है। इस बंदे ने मेरा दिमाग खा लिया है भाई। देखो क्रश अगले मंथ यूएस चली है, बता दे क्या करूं। तू क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकता हूं भाई इसमें? मुझे क्यों बता रहा है? मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी बता क्या कर सकता हूं। क्रश अगले मंथ यूएस जा रही है, बता दे क्या करूं। क्रश अगले मंथ यूएस जा रही है, बता दे क्या करूं। क्रश अगले मंथ यूएस चली है, बता दे क्या करूं। यार बता दे यार, परेशान हो चुका हूं। अबे तो हद ही हो गई भाई। अब मैं देख, भाई देख ले यार मैसेज, मैं देख रहा हूं, सब देख रहे हैं। अब
2000 लोग देख रहे हैं भाई, इतनी मेहनत उसके डीएम्स में जाके कर लेना। लिसन, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, प्लीज डू नॉट गो टू यूएस ऑफ ए बिकॉज आई लाइक यू वेरी मच एंड आई नो सुनेना यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी। 11th से क्रश है, मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ फारिस शफी की, इसके नीचे क्रश अगले मंथ यूएस चलिए बता दे। ये देखो अब उत्ते कौन, उत्ते मैं, थल्ले कौन, कोई भी नहीं। इतनी बढ़िया स्टोरी डाली है उसमें भी, भाई यार मैं मेरी क्रश है 11th से, भाई अब मैं क्या करूं। आपका गलीचपना इज माय इंस्पिरेशन, कांग्रेट्स। ये इसकी फोटो वॉलपेपर क्यों लगाई है, ये मेरे डब्बे विच कौन कोई कार है, इज माय इंस्पिरेशन, से बहुत कुछ सीखा हूं मैं। भाई हेयर ग्रोथ बढ़िया हो गई तेरी, भाई दिस इज नॉट हेयर ग्रोथ, दिस इज ऑल द मैजिक ऑफ कॉम्ब ओवर्स एंड प्रेइंग टू गॉड डेली कि कोई मेरा बॉल्ड स्पॉट ना देख ले। सही बताओ ना, हेयर लॉस से डील करना इज नॉट दैट हार्ड, यू जस्ट हैव टू अवॉइड ऐसे जहाँ पे बहुत हवा चल रही है वैसी जगह। जब भी आप बाहर जा रहे हो, बारिश हो रही है, आप ऐसे कर लेते हो, बोले क्या होगा, कुछ नहीं यार बस ऐसी ऐसे, क्या होगा भाई, रिलैक्स कर रहा हूँ यार, मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। डीलिंग विद हेयर लॉस इज मोस्टली अबाउट कि भैया बस साइड साइड से काट दो, ऊपर जितने उनको ऐसे कर, हाँ भैया इट्स प्रिटी इजी ब्रो, लाइक डीलिंग विद हेयर लॉस कुछ भी नहीं होता। मैं ना अभी एक रिसेंटली अपने एक दोस्त से मिला, मेरी वो जो दोस्त थी वो बोलती भाई तेरे को पता है अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे म्यूजिशियन से मिली थी, हम लोग मिले एंड ही वॉज लाइक सो गुड टू अस। मैंने बोला अच्छा मतलब हुआ क्या भाई, हम लोग उनसे मिले एंड ही वॉज सो हॉस्पिटेबल। मैंने बोला क्या किया क्या भाई, वो आए और उसने हमारे को इतनी बढ़िया नींबू पानी पिलाई। भाई मुझे एक बात बताओ, नींबू पानी पिलाई इसमें हॉस्पिटैलिटी क्या है, ये तो वही बात होगी आप मेरे घर आओ, आपको जो मैं नमस्ते करूंगा ना, जो अब आओ तो जो नमस्ते करूंगा ना मैं आप, भाई जो नमस्ते करूंगा ना मैं आपकी, नींबू पानी क्या, नमक, नींबू, चीनी, परफेक्ट भाई बिल्कुल। ये वही लोग होते हैं जिनको मतलब वो नहीं होता कि भैंस जो क्या तू मेरे हाथ की मैगी खा लेगा ना मौज आ जाएगी। बोला भाई क्या डालता है भाई, मैं इसमें भाई लहसुन मिर्ची और प्याज, तू छोंक लगाता है मैगी में। अब इससे बढ़िया जो तू मैगी को डालता कुकर में, थोड़ी सी अरहर डाल देता, थोड़ी आधी रिस्पेक्ट तो करता मैं तेरी। मैं भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आया था एंड आई सॉ दिस रील, जो हम लड़कियों के पास जाते हैं, लड़कियों की सब डिमांड होती है, लड़का लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, मोटे पैसे कमाना चाहिए हैं, और उसको इंग्लिश आनी चाहिए, और भाई हमारी ना बस एक डिमांड होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए वर्जिन। भाई इसमें क्या गलत है, भाई गलत मैं बताऊँ इसमें क्या है, पहली चीज ये डिमांड नहीं है, ये है कंट्रोल। आप चाहते हो औरत पे कंट्रोल, और ऐसा वैसा कंट्रोल भी नहीं, आप चाहते हो रेट्रोस्पेक्टिव कंट्रोल कि जब वो आपके साथ थी भी नहीं तब भी उसके उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं था। इसको डिमांड नहीं बोलते, ये एल टेक नहीं है भाई। तुम लोगों ने ना ज्यादा बॉडी बना ली है, तुम लोगों ने सिर्फ ज्यादा बॉडी बना ली है, और तुम लोगों को ज्यादा देखा नहीं है, ज्यादा तुम लोग जाके बात बात नहीं करते हो औरतों, वर्जिन होनी चाहिए, क्या क्या वर्जिन होने ना होने से क्या मतलब, हाउ इज दैट रिलेटेड टू द मैरिज। योर फाइनेंसेस आर Certainly your like sexual appeal is, it's all about power bhai, it's all about power। तू वर्जिन औरत से शादी आधे टाइम तो इसलिए भी नहीं करना चाहता कि वो वर्जिन है, क्योंकि तेरे को दूसरों को बताना है वो वर्जिन है भाई, तेरे को सिग्निफाई करना है। पर अगर तुम्हारे को लग रहा है ना कि तुम अपनी मिसोजिनी छुपा लोगे, सेक्सिज्म छुपा लोगे बस ये बोल के, ये तो डिमांड है भाई, क्या गलत है इसमें, तो भाई तुम गलत हो भाई, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। एक तो भाई इंस्टाग्राम पे ना एक आदमी है जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है गुस्सा करने में, ए भैंचो मुट्ठी मार ली है, मुट्ठी मार गया गया कह रहा भाई जी नशे सूख गई मेरी, मुट्ठी मार ली मैंने। वो बंदा रील पे आता है और गुस्सा करता है कि लोग मुट्ठी मार रहे हैं, है? नसें ढीली हो गई भाई जी, अब मैं क्या करूं, तू तो मुट्ठी मार रहा था भाई। ककोल्ड एक्सप्लेन करो, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन ककोल्डिंग, हाउ डू यू एक्सप्लेन ककोल्डरी, यू कांट, एंड यू आर जस्ट लाइक रुक तेरे को दिखाता हूँ, तू नहीं समझेगा ना, तू रुक तेरे को दिखाता हूँ रुक तू समझ नहीं रहा भाई, अभी रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ। लाइक भाई ये क्या हो रहा है ब्रो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पकड़ा, यस यस That, कैसे हो भाई, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको। दिस इज माई इम्प्रेशन ऑफ दैट गाय हसन रहीम, चाहता हूँ तुमको
चलना मेरी आरज़ू है, उसको बदलना चाहती हो कोई तो। हसन रहीम साउंड्स लाइक ही साउंड्स लाइक यू नो दैट NRI kid who just landed in Chandigarh and he wants to show everyone that he's NRI. तो वो ऐसे बात करता हिंदी में। तू मेरी आरज़ू है, तू मेरी आरज़ू। I should stop making jokes and let me just accept it, bro. That I'm here to do accents. मैं यहाँ पे सिर्फ VIP बनने आया। I think I should just stop it. I should stop putting in any effort of thinking anything. मैं VIP बन जाता हूँ and I should just do fucking accents. I should just stop doing anything else. Here's my impression of a Punjabi woman catching her damad cheating. Sanju, you fucking bastard. ਤੂੰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਜੂ ਯੂ ਫੱਕਿੰਗ ਬਾਸਟਰਡ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਹੋ ਯੂ ਫੱਕਿੰਗ ਬਾਸਟਰਡ ਪੈਂਚੋ ਹਾਂ ਯੂ ਥਾਟ ਯੂ ਇਨਸੈਂਟ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨੋ 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 ਪਲੀਜ਼ ਗਰਲ ਡੂ ਨਾਟ ਕ੍ਰਾਈ ਟੈਲ ਮੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟੈਲ ਮੀ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਅਫੇਅਰ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਯੂ ਫੱਕਿੰਗ ਬਾਸਟਰਡ ਸੰਜੂ ਪੈਂਚੋ यार एक तो ना यार ये एक बहुत ही घटिया चीज लगती है भाई, डीपीएस को इतनी ज्यादा शिट क्यों मिलती है इंटरनेट पे। ओ ही सच अ डीपीएस चाइल्ड, ही इज मिसोजिनिस्टिक, है वो, ये डीपीएस से होगा क्यों? तू बहन तेरा स्कूल बस एक ही है कोने में दिल्ली के, बस एक ही है, उसकी और कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो चैंसलर है वो साला नेपाल जाके पैसे लगाता है, जुआ खेलता है। हमारी गलती है कि डीपीएस हर जगह है, एक आधा जो तुमने प्राइमरी कर रखा है और एक सीनियर सेकेंडरी कर रखा है, और मतलब हमारा दो स्कूल है, ढाई फ्रेंचाइजी वाला तुम्हारा स्कूल है, तुम डीपीएस को जज करने चले हो क्यों, किस लिए? भाई एक्स से दोबारा बात स्टार्ट करने का मन कर रहा है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 months, बट आई स्टिल मिस हर एनी सजेशंस। आई थिंक यू शुड ड्रॉप हर अ टेक्स्ट एंड बी वेरी कैजुअल अबाउट इट, लाइक हे हाउ आर यू डूइंग, आई नो व्हाटएवर हैपेंड एंड एवरीथिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू नो How you are doing? कैसे हो आप? क्या करते हो आजकल? And are you dating someone? आपने मेरे को इतनी जल्दी बुला दिया? हफ्ते भर के रिलेशनशिप को तूने 2 महीने में बुला दिया। बहुत पछताएगी तू बहने की।